दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए BE पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस और इम्पोर्टेंट बुक्स, जिसमें कि एक डोमेन सब्जेक्ट होता है जिसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कशन। देखिए कि इसमें जैसा कि मेंशन है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 40 क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है। तो इसमें हम जैसा कि आपको बताएंगे, पॉलिटिकल साइंस में दो टॉपिक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भारत, और दूसरा है समकालीन विश्व इतिहास जो कि इसके बाद का टॉपिक है। और दो टॉपिक में 10 सब टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि इसमें मेंशन, देखिए 1, 2, 3, 4 करके, तो ये सब टॉपिक हैं। तो चलिए बताते हैं कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद का भारत में क्या क्या टॉपिक पढ़ना रहता है, और लास्ट में मैं आपको बुक्स भी सजेस्ट करूँगा। तो देखिए जैसा कि इसमें मेंशन है, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस एट द स्टेट लेवल, कोलिशन नेचर ऑफ मेजर कांग्रेस मेजर ओपोजिशन पार्टीज। मैं इतना पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सीधा सीधा टॉपिक का मीनिंग बता दूंगा। तो जैसा कि इसमें लिखा है, द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी आपको जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज़ादी के बाद भारत में सबसे एकदम मतलब टॉप पार्टी कांग्रेस ही थी, उसी का डोमिनेंस था नेशनल लेवल पर भी और सारे स्टेट लेवल पर भी, और ये लगभग 2 से 3 डेकेड्स तक रहा था। सेकेंड सब टॉपिक है नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो आज़ादी के बाद भारत के पास बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम है, कि पहला जैसे भाषाई आधार पर हम लोग को राज्यों का गठन करना था, फिर जो जो भारत से पाकिस्तान में चलेगा वहाँ प्रताड़ित होने लगे थे, फिर से शरणार्थी के रूप में भारत आए, फिर कश्मीर का प्रॉब्लम, बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, फिर और लैंग्वेज का भी कॉन्फ्लिक्ट था। तो वहीं नेशन बिल्डिंग में और ये प्रॉब्लम्स थे। थर्ड सब टॉपिक्स है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, मतलब हम लोग की आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने क्या क्या आखिर मतलब प्लान किया, जिसमें था पंचवर्षीय योजना था, फिर हम लोग को महामारी से जूझना था, अकाल से जूझना था, फिर हरित क्रांति को लाना था, ये था। तो ये सारा इकोनॉमिक प्लान डेवलपमेंट था। फोर्थ सब टॉपिक्स है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, इसमें यह है कि हमारे भारत का विदेश नीति क्या था, नेहरू की विदेश नीति क्या था, और उनका फेलियर में जैसा हुआ इंडिया चाइना का वॉर हुआ, फिर उनकी डेथ के बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, फिर 71 में वॉर हुआ, फिर इंडिया का जैसा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम था। तो ये इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशंस था, इसका मतलब विदेश नीति भी हम लोग को पढ़ना है। और फिफ्थ सब टॉपिक्स है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। 2 डिकेड्स के बाद जो कांग्रेस का पूरा एकदम मतलब डोमिनेंस था, उसके बाद कांग्रेस वीक होने लगा नेहरू के डेथ के बाद। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो फिर कांग्रेस में दो फुट हो गया, एक कांग्रेस आर हुआ था और एक कांग्रेस ओ हुआ था, तो उसी की वजह से इसके अगेंस्ट चैलेंज हुआ था बहुत सारा। फिर जब गरीबी हटाओ का नारा देखा, फिर इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती और फिर उनका फिर से पार्टी में डोमिनेंस हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार बढ़ चुकी थी। 6 सब टॉपिक्स है क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती तो अपने आप को एकदम सबसे डोमिनेंस चाहती थी, जुडिशियरी पर भी अपना सोचती थी कि हमारा प्रभुत्व हो, तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। और फिर उनके खिलाफ बिहार गुजरात में नव निर्माण आंदोलन हुआ, बिहार में भी आंदोलन हुए, और फिर आपको जेपी मोमेंट भी सुना होगा, जिसने जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ पूरा विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में किया था, और फिर 1975 में इमरजेंसी लगा, फिर इमरजेंसी के बाद जब इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और जनता पार्टी सरकार में आई।
फिर सिक्स्थ सेवेंथ टॉप सब टॉपिक्स है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। बहुत सारे जो रीजनल पार्टी थे वो राइज अप होने लगे, फिर पंजाब क्राइसिस हुआ, खालिस्तान का जो इश्यूज था वो लोग अलग खालिस्तान लैंड का डिमांड कर रहे थे। फिर इसकी वजह से जब इंदिरा गांधी सरकार ने फिर वहाँ सिख टेम्पल को डेमोलिश हो गया, तो फिर उसकी वजह से पूरा उनका जो सिख बॉडीगार्ड था इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। फिर उसके बाद सिख दंगा हुआ 1984 में, फिर कश्मीर की समस्या, और फिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो उग्रवादी संगठन थे वो सक्रिय हो गए। एट सब टॉपिक है राइज ऑफ न्यू सोशल मोमेंट्स। 1990 के जो दशक था उसमें किसान आंदोलन हुए, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए, फिर बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, और फिर जैसा कि ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन लागू किया गया वीपीसी के द्वारा। और नाइन्थ सब टॉपिक से डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। 1990 के दशक में बहुत सारे किसी भी राष्ट्रीय दल में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो अकेले अपने दम पे सरकार बना सके, इसलिए क्षेत्रीय पार्टी के बलबूते राष्ट्रीय सरकार चलती थी। इसी में दो पार्टी इवॉल्व होके आया, एक बीजेपी और एक जनता दल। और दसवां सब टॉपिक है रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस। जैसे आज हर कोई जैसे क्रिटिसाइज करता है कि नहीं नहीं हर कोई किसी से बात कीजिए तो बोलेगा कि ये गौतम अडानी ऐसा है, ये अंबानी की सरकार है, अडानी की सरकार है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करता है। तो एक जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो आजकल मतलब सबके अंदर एक भावना है तो उसके खिलाफ ये है। और फिर इसी में टॉपिक है राइज ऑफ ओबीसी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन पॉलिटिक्स। आज देख रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, यूपी बिहार महाराष्ट्र में एकदम मतलब हमेशा हर कास्ट का ही पॉलिटिक्स होता है, दलित पॉलिटिक्स होता है। तो ये रहा आज़ादी के बाद का भारत का टॉपिक्स। और चलिए इसके बाद हम आपको बताते हैं कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये टॉपिक का। इसमें भी कितना इसमें भी लगभग 9 सब टॉपिक्स हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो सुपर पावर इवॉल्व हो गया, एक यूएसए और एक दूसरा यूएसएसआर। पूरा विश्व द्विध्रुवीय हो गया यानी बाइपोलर वर्ल्ड हो गया। और बाइपोलर वर्ल्ड में एक और भी थर्ड आया जिसको मतलब अपने आप को सेपरेट रखने के लिए नॉन अलाइन मूवमेंट है, जिसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू भी थे। नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। सेकंड सब टॉपिक्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। 1990 के दशक में सोवियत संघ टूट गया और 15 देशों में बट गया। जैसे आज रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है तो यूक्रेन ही यूएसएसआर का ही पार्ट था, और भी बहुत 14 देश थे। थर्ड सब टॉपिक्स यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब 1990 के दशक के बाद सोवियत संघ टूट गया तो सिर्फ एक सुपर पावर यूएसए ही बचा, और उसी का प्रभुत्व पूरी दुनिया में हुआ। और फिर उसी के बाद अफगानिस्तान में जब हमला हुआ 9/11 के द्वारा, अफगानिस्तान में जो उसामा बिन लादेन था उसने अमेरिका में हमला करा, वहीं जो 9/11 था उसके बाद अमेरिकन और नेटो की जो आर्मी थी वो अफगानिस्तान में इंटर कर गए उन लोग अपना मतलब बदला लेने के लिए। और फिर उसी में फर्स्ट गल्फ वॉर हुआ, फिर इराक में यूएसए ने अटैक किया, अपना हेजमनी था उसके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होने वाला था। इसीलिए फोर्थ सब टॉपिक्स अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और ये जब पूरी दुनिया पर अगर सिर्फ सुपर पावर अमेरिका बचा था, अब उसको चैलेंज करने के लिए एक नया पावर एकदम इवॉल्व होके आया, राइज हुआ, और वो था चाइना। चाइना भी मिलिट्रली और इकोनॉमिकली भी पावरफुल हो चुका था। फिफ्थ सब टॉपिक साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। यानी सोवियत संघ के टूटने के बाद जो साउथ एशिया यानी इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका, ये जो साउथ एशिया कंट्री थे इनकी पॉलिसी क्या हो, क्योंकि ये सारे मैक्सिमम जो कंट्री थे ये सोवियत संघ के साथ इनके अच्छे रिलेशन थे। इसके बाद इन्होंने सारे देश ने अपना संबंध यूएसए के साथ धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया।
सिक्स्थ सब टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिक पोलर वर्ल्ड, यानी जब सिर्फ 1990 के बाद जब सिर्फ सुपर पावर अमेरिका बचा तो उसका हर संगठन में उसका प्रभुत्व हो गया, चाहे यूनाइटेड नेशन, WHO, WTO, IMF, मतलब पूरा लगभग मैक्सिमम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। सेवेंथ सब टॉपिक से सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड, आज के समय दुनिया में सबसे बड़ा मतलब क्या है, सुरक्षा के लिए क्या है, मतलब सबसे बड़ा सुरक्षा है अपना ये भुखमरी है, पूरा वैश्विक स्तर पर भुखमरी है, गरीबी है, हेल्थ क्राइसिस है, एजुकेशन है, ह्यूमन राइट्स और माइग्रेशन है, जैसा कि कोविड है, तो यही भी एक तरह से यही सिक्योरिटी सूची है हेल्थ का। माइग्रेशन है, जैसे यूक्रेन में अटैक हुआ तो सारे यहाँ से लोग माइग्रेट करके पूरे दुनिया भर में चले जाने लगे। अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो वहाँ से भी लोग माइग्रेट करके मतलब दूसरे कंट्री में जाने लगे थे। एट सब टॉपिक्स इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, जो भी मतलब इन्वायरमेंट को लेकर, जैसा कि हमेशा अब सारे पश्चिमी कंट्री कहते हैं कि आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस कीजिए, मैक्सिमम मतलब बोलते हैं लोग चाइना को और इंडिया को, लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं नहीं हम अपने अकॉर्डिंग, इंडिया भी बोलता है कि नहीं हम अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि आप लोग डेवलपमेंट कर चुके हैं और हम लोग अभी अंडर डेवलप हैं, इसलिए अभी हम लोग को टाइम लगेगा इसको करने में। नाइन्थ सब टॉपिक से ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस, जैसा कि सबने सबको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री प्रमोट करते कि ग्लोबलाइजेशन से ही पूरी दुनिया में समृद्धि आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2008 में भी आर्थिक मंदी आ चुकी थी और फिर कोविड में भी आर्थिक महामंदी आ गया, वैश्विक महामंदी, इसलिए धीरे धीरे लोगों का ग्लोबलाइजेशन से विश्वास उठने लगेगा और इसके खिलाफ एक विरोध का भावना हो, धीरे धीरे सब में डेवलप हो रहा है। तो गाइस ऐसा कि था, हमने आपको इसका टॉपिक्स आपको बढ़िया अच्छा से एक्सप्लेन करके बता दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके लिए बुक क्या क्या पढ़ना होगा। जैसा कि पहला टॉपिक है इसमें इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इसका बुक आता है आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश के, तो इसके लिए बुक आता है दृष्टि IAS या DIAS का, आप कोई भी बुक ले सकते हैं इसे, दृष्टि IAS या DIAS के। और दूसरा है कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए अर्जुन देव का ले सकते हैं आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम के, क्योंकि ये 1992 वर्ल्ड वॉर के बाद लेकर 2008 तक का इसमें अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये इतना हैवी भी नहीं है, आप इसको 2-3 बार रिविजन भी कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, हाँ यूजफुल कॉन्टेंट के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहें, ताकि आपकी एग्जामिनेशन में हेल्प हो। जय हिंद, जय भारत।